Press the bell icon of the E-Parshala channel and never miss another update. So welcome people, this is your Vijay here और दोबारा से आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12th के MCQ की सीरीज में। दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, यानी कि सब जन आंदोलन का उदय बोलते हैं। चैप्टर 7 है ये। इस चैप्टर के अंदर हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर ये देखने की कोशिश करी थी कि 1980s से लेके 1990 तक ऐसे कौन कौन से आंदोलन थे या ऐसे कौन कौन से मूवमेंट थे जो बहुत ही वर्ल्ड वाइडली लेवल पे बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। तो उससे रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। आप पेपर जब यूपीएससी की कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर भी ये चीजें पूछी जा सकती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है चिपकू मूवमेंट, क्योंकि चैप्टर ही चिपकू मूवमेंट पे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो यही पूछा हुआ है कि चिपकू मूवमेंट जो है सबसे पहले कहां स्टार्ट किया गया था। चिपकू को आपको समझ में आ गया होगा, चिपकू मतलब चिपक जाना, उसे हम चिपकू मूवमेंट से बोल लेते हैं उसको। जिस बच्चे ने इस वीडियो को, इस चैप्टर की वीडियो पढ़ी होगी, देखी होगी, तो उसे अच्छी तरीके से पता होगा इसमें से सही आंसर कौन सा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, ऐसा कौन सा स्टेट था जहां पे चिपकू मूवमेंट सबसे पहले लॉन्च हुआ था। तो आंसर है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तीसरा इसका ऑप्शन दे रखा उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड की देख सकते हो कैपिटल देहरादून है, और देहरादून में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर ऐसा देखा गया था कि यहाँ पर महिलाओं ने पेड़ों को गले लगा के ये दिखाने की कोशिश कर दी कि हमारे लिए पेड़ ही सबसे ज्यादा जरूरी है, और अगर पेड़ कट जाएंगे तो हमारा खुद का जीवन विनाश हो जाएगा। सो दैट इज वाई दिस मूवमेंट इज सो पॉपुलर इन द उत्तराखंड स्टेट, और आपको उत्तराखंड टेक करना पड़ेगा। सो सही आंसर तीसरा है। नेक्स्ट बात करेंगे मजदूर किसान संघ शक्ति संगठन, जैसे हम मजदूर किसान शक्ति संगठन के नाम से बोलते हैं, उसे किस राज्य में शुरू करा गया था। तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर राजस्थान है। इसमें बेसिकली ये बात करेगी कि मजदूर जो लोग हैं उनकी कैसे फसलों का सही दाम, उनके अधिकार, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड थी। 1990 के अंदर राजस्थान में ये भी एक मूवमेंट चलाया गया था। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लॉजिक वाला लगा। देखिए, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियां, दलित समाज बहुत लंबे समय से पीड़ित था, उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी, और यही एक ऐसा दलित पैंथर बना। दलित पैंथर असल में है क्या? दलित पैंथर आप देख सकते हैं, दलित युवा पैंथर के नाम से इनका एक सिंबल है। असल में दलित पैंथर दलित स्टूडेंट्स के द्वारा चलाया गया ग्रुप था जो बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बाद में जाके बना, और दलित पैंथर एक तरीके का दलित महासंघ, मैं बोल सकता हूँ दलित, यानी कि यहाँ पे सामाजिक संगठन है जो ये दिखाने की कोशिश करता है। इसका सही आंसर फर्स्ट है। ये दिखाने की कोशिश करता है कि कैसे दलित बच्चे जो है जिनमें एजुकेशन का कुछ रोल नहीं होता, उसके बाद उनको हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलती, शिक्षा की फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलती, और स्कूलों के अंदर एडमिशन की दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे लोगों को दलित पैंथर एक ग्रुप बनाया गया। अच्छा, ये कौन से स्टेट में बनाया गया था ये मैंने अपने वीडियो के अंदर बताया होगा। अगर आपको पता है कौन से स्टेट में बनाया गया था देन कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा मुझे कि कौन से स्टेट में दलित पैंथर बनाया गया था। तो आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि कौन से स्टेट के अंदर इसे बनाया गया था। असल में प्रेशर ग्रुप बाद में रिलीज हो सकता था, लेकिन मेन तो भाई एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, एक सोशल संगठन था जो ये दिखाने की कोशिश करता था कि किस तरीके से दलित समाज के अंदर जो बेचारे पिछड़े लोग हैं उनको हमें अधिकार, या जो हाशिए पे खिसक चुके हैं लोग उनको हमें असली समाज के अंदर लेके आना है। तो इसलिए इसका सही आंसर आप देख सकते हो एक है। मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो जरूर बताइएगा। एंटी अट्रैक्ट मूवमेंट, जिसे ताड़ी विरोधी आंदोलन के नाम से पुकारा जाता है, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था वो किस उत्पादक के लिए प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा था, मतलब किस चीज की बैन करने की मांग कर रहा था। असल में आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ ऐसा रहता है कि मेंस लोग ज्यादा ताड़ी पीना पसंद करते हैं, दारू का छोटा वाला पार्ट है जो
ऐसा कहा जाता है कि वो भी नशा देता है। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ताड़ी विरोधी आंदोलन इसलिए स्टार्ट कराएगा महिलाओं के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पे सेल्स ऑफ अल्कोहल यानी कि ताड़ी जो है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बेची जा रही थी, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ की महिलाओं के लिए, क्योंकि हस्बैंड अल्कोहल पी के आते थे, घर में लड़ाई दंगा होता था, बच्चों के एजुकेशन में फोकस नहीं हो पाता था। दैट इज वाई यहाँ पे पूरी तरीके से ये देखा गया कि अब हमें कहीं ना कहीं मतलब वहाँ की महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने मेंस को कंट्रोल करने के लिए, अब उन पे तो डोमिनेंस उनका चलता नहीं था, तो इसीलिए वहाँ की सारी वुमेन्स ने क्या कहते हैं मिलके ताड़ी विरोधी आंदोलन कर दिया। देख रहे मतलब इतना इनक्रेडिबल आंदोलन हुआ जो सही मायने में बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए सेल ऑफ एल्कोहल पर उस समय बैन लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब हुई? आपने दिल्ली के अंदर देखा होगा भारतीय किसान यूनियन जो है वो आज धरना बैठे हुए हैं लगा के, और किसान बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो जिस किसान बिल की वो वापस लेने की मांग कर रहे हैं वो एक संगठन था भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक, जो उत्तर प्रदेश में बनाया गया था बहुत टाइम पहले। उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1978, मतलब इतने पुराने टाइम पीरियड में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। भारतीय किसान यूनियन जिन्होंने जेल भरो आंदोलन से रिलेटेड सारे काम किए थे, और उस टाइम पीरियड में भी उन्होंने अपने सारी सरकारें सरकारों से अपनी मांग पूरी करवाने के लिए, फसलों के अच्छे दाम के लिए इन्होंने धरने दिए थे, और आज भारतीय किसान यूनियन जो है किसान बिल वापस लेने के लिए धरना दिए हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान संघ, उसका गठन किसने किया? ये थोड़ा जीके वाला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट टाइम का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो भाई आज की डेट में इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं ये व्यक्ति। आप देख सकते हो महेंद्र सिंह टिकेट बोलते हैं, यानी महेंद्र सिंह टिकेट ये व्यक्ति है जो ऐसा कहा जाता है कि भारतीय किसान संघ जो है, जिसे आप एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं यूनियन, उसकी एस्टैब्लिशमेंट इन व्यक्ति ने करी थी, और इनकी वजह से ही आपने देखा होगा रिपोर्ट के अंदर ये अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, और आज भी ये भारतीय किसान किसानों के लिए अच्छी फसलों की मांग के लिए, और अगर सरकार किसानों के हक में ना बोलते हुए उनके खिलाफ कुछ बोलती है तो महेंद्र सिंह टिकेट जो है वो पूरी तरीके से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं फोर्थ है। नेक्स्ट बात करेंगे, चिपकू आंदोलन से जुड़े ग्रामीण मुद्दे किस पर विरोध किए गए थे? मतलब अगर चिपकू मूवमेंट चलाया गया था तो उसका विरोध क्यों कर रहे थे वो लोग? क्योंकि उस टाइम पीरियड पे वनों की कटाई बहुत बड़ी मात्रा के अंदर और हो रही थी, और महिलाओं ने उस टाइम पीरियड पे पेड़ों पे चिपक के, देख सकते हो पेड़ों पे चिपक के उन्होंने अपने पेड़ों को बचाने की कोशिश करी थी। इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो इसलिए आप इसका आंसर जो है वो फर्स्ट लगाएंगे, और फिर सरकार ने इतना बड़ा आंदोलन होने की वजह से इस पर रोक भी लगा दी गई थी, 30 सालों तक रोक लगा दी गई थी। तो बहुत ही इनक्रेडिबल चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चिपको आंदोलन बहुत दिलचस्प पहलू क्यों था? मतलब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जाके क्यों बना था वो? उसका रीजन यही है कि महिलाओं की भागीदारी वहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिली, और महिलाओं ने पहली बार क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं पेड़ों से चिपक के पेड़ों को बचाने की कोशिश करी। इससे दिखाई देता है प्रकृति का प्यार। अच्छा, मैंने अपनी वीडियो के अंदर ये भी बताने की कोशिश करी हुई है कि चिपको मूवमेंट के अंदर पहली ऐसी लेडी कौन थी, जो लेडी कोई देवी थी कोई लेडी थी और उन्होंने चिपकी मूवमेंट को बहुत ज्यादा फैलाया था, उनका नाम क्या है? यू नीड टू फाइंड आउट द नेम, आपको उनका नाम बताना है, ठीक है ना? नाम बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए हमारे साथ ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश कर सके। आपका कोई सजेशन है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ सॉरी कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ कमेंट कीजिए, हम उस पर कोशिश करेंगे उसको और अच्छा बेहतर बनाने की। तो ये था चिपको मोड में जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, उसका रिप्लाई जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से 80 के दशक का सबसे सफल आंदोलन कौन सा था? 1980s में बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे लेकिन सबसे सफल आंदोलन जो था वो था किसान आंदोलन, किसान आंदोलन सबसे सफल आंदोलन माना गया था, ठीक है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, किसान आंदोलन सबसे सफल आंदोलन था। तो ये
अपनी डिमांड इन्होंने पूरी करवा ली थी, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा दलित पैंथर का गठन किस राज्य में हुआ, ये क्वेश्चन आ गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दलित पैंथर की एस्टैब्लिशमेंट करी गई थी, ठीक है, युवा लोगों के द्वारा किया गया था, जिसका मेन मकसद है दलित लोगों को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और समाज के अंदर अच्छी, मैं कह सकता हूँ कि बराबरी मिलनी ज्यादा जरूरी थी, तो ये इनकी मेन मांगे थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 11। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, है ना, कहाँ पे हुई थी, तो देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, ये मैंने आपको बता ही दिया था, आंध्र प्रदेश प्लेस है जहाँ पे महिलाओं ने सरकार के खिलाफ बोला कि आपको सेल्स ऑफ अल्कोहल को रोकना होगा और बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे ज्यादातर आदमी जो है वो दारू पीते हैं यहाँ पे, लेके खरीदते हैं और फिर हमें घर में आके मारते हैं, बच्चों के एजुकेशन में फोकस नहीं है, मतलब 100 रुपये कमाते हैं दिन का, अगर दिन का 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये 30 रुपये बाटली में ही खर्च कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, है ना, आप मानते कि नहीं मानते हैं, मानते हैं तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि उन्होंने महिलाओं ने ठीक किया या नहीं किया, जो बिल्कुल गलत है, मतलब कोरोना हो रहा है फिर भी अभी भी लोग नहीं मान रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये चीज ही ऐसी है जो इंसान को पागल बना देती है, प्यार के अलावा दूसरी चीज यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी बांध पर बनाया गया, मतलब एक डैम बनाया गया जिसे आप सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बोलते हैं, वो एक नदी पे बनाया गया है जैसे आप नर्मदा रिवर बोलते हैं, ये देख सकते हो ये नर्मदा रिवर जा रही है, इस रिवर के ऊपर क्या कहते हैं डैम बनाया गया था, डैम बनाने का मेन मकसद यही था सरदार सरोवर डैम, कि किस तरीके से पानी दूसरे राज्यों के अंदर पहुंचाया जा सके, बहुत बहुत तगड़ी प्रॉब्लम, बहुत तगड़ा कलेश हुआ था इसके ऊपर, वीडियो में मैंने पूरा एनालाइज करके आपको बताया हुआ है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो नर्मदा के ऊपर ये डैम बनाया गया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन कब शुरू करा गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1990 के अंदर। सूचना का अधिकार का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी सरकार से, अगर आपको किसी सरकार से उनके डिपार्टमेंट के अंदर किसी प्रकार की जानकारी लेनी है, तो आपके पास अधिकार है कि आपके सरकार जो है चोर है या निकम्मी है, भ्रष्टाचार है, उसको पता करने के लिए आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है वो आपको बताएगा, कितना पैसा उसने कहाँ खर्च करा वो आपको बताएगा, बस आपको राइट टू इंफॉर्मेशन यूज करना है, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूचना का अधिकार का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका है मजदूर किसान शक्ति संगठन, देख सकते हो 1980 के दशक में ये बनाया गया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका पहला आंसर आप बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित नहीं है, देखो 3 राज्य थे लेकिन राजस्थान से इसका संबंध नहीं है, क्योंकि देख सकते हो राजस्थान ये प्लेस अलग ही पड़ गई है ना, जहां से नदी जा रही है यहाँ पे 3 स्टेट्स कवर होते हैं, जिसमें से एक स्टेट आपका देख सकते हो वो मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका ये गुजरात भी है ना, और महाराष्ट्र भी इसमें इफेक्ट होता ही होता है, तो 3 स्टेट इफेक्ट होते हैं लेकिन राजस्थान का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो बस आपको ये समझना था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, नक्सलवादी नेता जो थे, मैं बोल सकता हूँ जैसे आप नक्सलवादी भागवत नेता बोलते हैं, तो वो जो नेता थे वो कौन थे, ये हमने क्वेश्चन रिपीट करा है, चारू मजनूमदार जो है ये थे, इन्होंने कैसे जो क्या कहते हैं नक्सलवादी लोग थे उनका कैसे सपोर्ट किया था, ये उनके नेता थे, और उस टाइम पीरियड पे इन्होंने सीपीआई पार्टी छोड़ के अपनी खुद की सीपीआई इंडिया बनाई थी, है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दलित पैंथर की मांग के परिणाम स्वरूप सरकार ने किया क्या और उस पर कानून कब बनाया, है ना, देखो दलित पैंथर अगर महाराष्ट्र में बनाया गया था युवा लोगों के द्वारा, तो उनकी कोई ना कोई डिमांड थी, उनकी डिमांड क्या थी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और डिमांड जो भी थी उस पर कानून बनाया गया था, एक बहुत बड़ा कानून बनाया गया था, और वो कानून बनाया कब गया, 1989 के अंदर, 1989 में एक एस सी एस टी एक्ट बनाया गया, जिसको 1989 के अंदर अप्लाई करा गया, इसका मेन मकसद यही था कि जो बेचारे एससी और एसटी समाज के बच्चे हैं या लोग हैं वो सारे के सारे रिजर्वेशन के हकदार होंगे, ताकि समाज में बराबरी उनको भी मिल सके, है ना, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, तो इसीलिए इस पर आपको फोकस करना, इस पर कानून बनाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय किसान यूनियन ने सबसे पहले हड़ताल कहाँ पे करी थी? सबसे पहली हड़ताल उन्होंने मेरठ में करी थी, ठीक है ना। हड़ताल करते रहते हैं भाई, जब किसानों की बात आती है, देश का किसान और देश का जवान दोनों ही इम्पोर्टेंट है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत पहले सोच ली थी, इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जब भी किसान मजबूर होगा तो दोस्तों आप पे भी फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा, तो सोच के चलिएगा कि हम उनके लिए सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती रहती है तो भाई मैं तो यही कहूँगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप अच्छी तरीके से हमारे सारे नोटिफिकेशंस को ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, नेशनल फिश वर्कर फॉर्म इसका गठन कब हुआ था 1980 के अंदर, क्योंकि हम 1980 और 1990 का टाइम पीरियड देख रहे हैं। नेशनल फिश वर्कर फार्म का मतलब ये हो गया, ऐसा नेशनल फिश वर्कर फार्म, ठीक है ना। तो ये इसलिए बनाया गया था कि ये सारे के सारे लोग, इनका जीवन यापन मछलियों को बेच के ही होता है, और ऐसे में सरकार अगर इनका जीवन यापन पे इफेक्ट करेगी तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इन लोगों ने अपने खुद का ही एक फार्म बना दिया। फॉरम दैट मीन्स फार्म नहीं, फॉरम बना दिया। फॉरम का मतलब ये सारे लोग अपने डिसीजन इसी के अकॉर्डिंग ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है इस चैप्टर का, वो है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो उसकी शुरुआत भी 1985 के दशक में ही हुई थी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर एक लेडी थी, मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, वो कौन लेडी थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन नर्मदा को बचाने के लिए लगा दिया था, जिसपे सरदार सरोवर डैम बनना था। बहुत लंबा ये केस चलता रहा कोर्ट के अंदर, लेकिन वो लेडी नहीं हारी, लेकिन एंड में वो डैम बना ही, है ना। तो डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन बहुत तगड़ा इस पे क्या कहते हैं आंदोलन चला था पूरे भारत के अंदर नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से। वो लेडी कौन थे उसका नाम जरूर बताइएगा। और ये वीडियो के अंदर हमने इतना ही पढ़ा है, 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मैंने सारे कवर करने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो पता है आपको क्या करना है, तो जल्द ही मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।